क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हेलो टॉक, हाँ टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक? आए टॉक, बोलो और चलो। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज तमिलनाडु है, कृष्णागिरी के कैंडिडेट MIM जनाब अमीनुल्लाह साहब, वाजिद बादशाह साहब, जनाब MV सेकर साहब जो गोकुला मक्कल JMK के प्रेसिडेंट हैं, मौजूद हाजरीन इकराम, मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ इस अलायंस में है और 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में MIM पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, AMMK के साथ और दीगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 6 अप्रैल के दिन आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवार का जो निशान है, सिंबल है, वो काइट है, काइट के निशान पर आप बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। तमिलनाडु में हमेशा 2 पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत रही है, आज पहली मर्तबा एक तीसरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन TT दिनाकरन साहब की लीडरशिप में इमर्ज हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल स्पेस है और पॉलिटिकल वैक्यूम है, वो यकीनन TT दिनाकरन साहब उस पॉलिटिकल वैक्यूम को और उस पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उसको पूरा करेंगे। लोग ये समझते हैं कि तमिलनाडु में सिर्फ सियासत ADMK और DMK के दरमियान में रहेगी, अब के इस असेंबली इंतखाबात में ये नहीं होने जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में AMMK और उनके तमाम अलायंस पार्टनर उभरेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका आपके पास आया है, इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। ADMK के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, मैं पूछना चाहता हूं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से और BJP से जो तमिलनाडु के हैं, आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि श्रीलंका की हुकूमत ने श्रीलंका के टेमिलियंस पर जुल्म किया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस रेजोल्यूशन से एब्स्टेन करती है। हम नरेंद्र मोदी से और ADMK से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपकी तमिल अवाम से मोहब्बत है कि आप UNHRC के रेजोल्यूशन में आप एब्स्टेन कर देते हैं और श्रीलंका के हुकूमत की ताईद करते हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी और BJP आज के रेजोल्यूशन में अपने आप को एब्स्टेन किया, जबकि इंसानियत का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उस रेजोल्यूशन की ताईद करती, क्योंकि तमिल आवाम का श्रीलंका में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी नस्ल कशी हुई, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नई गवर्नमेंट की सपोर्ट किया एब्स्टेन होकर, इसलिए कि BJP ये चाहती है कि नॉर्दर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के चाहने वाले चहीते को मिले। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज के रेजोल्यूशन में एब्स्टेन किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिल अवाम के साथ श्रीलंका में जुल्म हुआ, बजाय उसके कि जिन्होंने जुल्म किया आप उनके सपोर्ट में खड़े होते। आज BJP ने इस वोटिंग से एब्स्टेन करके बता दिया कि BJP तमिल अवाम से मोहब्बत नहीं करती है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपको खुलकर बयान करना चाहूंगा वो ये है कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट का डिवीजन होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप AMMK के अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को ना सिर्फ तमिलनाडु में रोकेंगे बल्कि आने वाले इलेक्शन में पूरे भारत से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि दिनाकरन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे साफ ये पूछा कि क्या आप बीजेपी को अपोज करेंगे, तो मिस्टर दिनाकरन ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, वी विल अपोज बीजेपी टूथ एंड नेल। ये उनका क्लियर कट स्टैंड है। और बार बार ये कहना कि बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या DMK ने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं किया था? क्या DMK के मिनिस्टर नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में? जो लोग आज डिवीजन ऑफ वोट्स के बारे में फिक्रमंद हैं, जब गुजरात की सरजमीन पर जेनोसाइड और प्रोग्राम किया जा रहा था, उस वक्त क्या DMK कहां पर थी? ये आप जानते बेहतर हैं। अब मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आपको वोट देना है तो डर की बुनियाद पर मत दीजिए, खौफ की बुनियाद पर मत दीजिए, बल्कि एक उम्मीद की बुनियाद पर वोट देकर आप यहां से MIM पार्टी के और AMMK के अलायंस के पार्टनर्स को कामयाब करिए। बी टीम कौन है? बल्कि यहां पर तो उर्दू की कहावत सच साबित होगी कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, ADMK भी और DMK तमाम बीजेपी के साथ रहे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ADMK ने CAA के कानून में पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दिया। आप बताइए, ये CAA का कानून अगर इसके रूल्स बनकर पूरे मुल्क में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, तो मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कई लाख हजार लोगों को परेशान कर दिया जाएगा। क्या ADMK नहीं जानती कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड NPR NRC हुआ, जिसमें 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 15 लाख हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, तो बीजेपी आज कह रही है आसाम में कि अगर हम दोबारा आसाम में पावर में आएंगे तो एक नया NPR NRC करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ADMK का कम्युनल चेहरा है जो पार्लियामेंट में उन्होंने नरेंद्र मोदी की हुकूमत का साथ किया। पांचवी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये DMK के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, DMK को वोट देना है, बीजेपी को हराना है। यकीनन वोट डालना ये आपका हक है, किसको वोट डालना ये आपका हक है। मैं सिर्फ यहां पर चंद बातें कर चला जाऊंगा और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी बात का असर आपके दिल पर पड़े और आप एक सही फैसला ले सकें। आप बताइए, DMK के साथ कांग्रेस पार्टी है, क्या यही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करके शिवसेना का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया? मैं DMK के जनाब स्टालिन साहब से पूछना चाहता हूं, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस है, कांग्रेस को आपने सीटें दी, क्या इसीलिए आपने सीटें दी कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करे? क्या इसलिए आपने इस कांग्रेस से अलायंस किया कि महाराष्ट्र की असेंबली में शिवसेना के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे खड़े होकर कहते हैं कि हमको फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया? उद्धव ठाकरे ने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ आवर रोल इन द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। मे आई आस्क मिस्टर स्टालिन टू क्लैरिफाई हिज स्टैंड दैट योर पार्टी इज सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी विच इज सपोर्टिंग शिवसेना। शिवसेना फिरका परस्त पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं DMK के जनाब स्टालिन साहब से कि जिस पार्टी के साथ आप हैं, यही कांग्रेस पार्टी ने, अमित शाह ने,
जुलाई 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लेकर आया तो यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह का मोदी का साथ दिया और यही मनहूस कानून की बुनियाद पर सौओं की तादाद में मुसलमान, दलित, आदिवासी, इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। ये डीएमके के अलायंस पार्टनर का रोल है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम पर उंगली उठाकर हमसे सेकुलरिज्म की बात करे। डीएमके के अलायंस पार्टनर्स को हक नहीं पहुंचता कि वो बीजेपी से डरा कर वोट को हासिल करे। अरे आपने बीजेपी का साथ दिया था, आपने बीजेपी के साथ पावर शेयर किया था। और आखिरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप पढ़ो, उसमें डीएमके कहती है कि जो मंदिरों को जाएगा उनको 25,000 रुपये 1,00,000 रुपये देंगे। मैं मिस्टर स्टालिन से पूछता हूं कि आप अगर मंदिर को पैसे दे रहे हैं तो कोई दरगाह को भी जाना चाहता है, कोई मक्का को भी जाना चाहता है, कोई मदीने को भी जाना चाहता है, कोई मस्जिद अक्सा को जाना चाहता है, कोई नजफर करबला को जाना चाहता है, उनके लिए कुछ नहीं है आपके पास? बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चिस को? हमको भी दोना 1,000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कह रहा पड़ रहा है आपको ये बात, क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का रहे, इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे के पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये ADMK के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि ADMK की सरकार ने MGR के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1,000 लाइफ कॉन्विक को छोड़ा मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है, ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ, बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही चंद अहम गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था और रख चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं? अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्हों वो करे हुए। कोई मिले हुए नहीं है, मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है मेरे अजीज दोस्तों। आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है
कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में जो दौर था मुगलों का उसको कम कर दिया गया। सन 57 की जंग आजादी को खत्म कर दिया गया, बल्कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी के रोल को कम कर दे रही है बीजेपी। ये किताबों और निसाब में बीजेपी कर रही है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर उठकर सवाल किया था कि नेशनल ओपन स्कूल में अगर आप रामायण और भगवत गीता पढ़ा सकते हैं तो कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ा सकते। मगर बीजेपी एक मखसूस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यहां से वानियंबाड़ी को भी जाना है और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले फिर मैं ऑरेंज पंच, क्लियर लेमन पंच, लेमन बूस्टर पंच, क्लाउडी लेमन पंच, जीरा मसाला पंच, Green Apple. I love you, Lisa. For booking call, 7989-766-767 or 855-588-0912. क्या हुआ आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा शायद? कारोबार से ज्यादा वो तबर टिल्लू करने से पैसे ला। दो हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू तबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को देना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे मैं आधा आधा घंटा खराब नहीं करता। हो भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो, कैब हो ऑटो हो या बाइक। एक काम करो जल्दी से एक ऑटो बुक करो, कई को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक आधा अरे इतनी जल्दी आ गए तुम। कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। चलो टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक बोलो और चलो